खुले में कचरा फेंकने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेतिया नगर निगम ने लगाई लंबी छलांग। आपको बता दें कि पूरे राज्य में बेतिया को स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कुछ अन्य दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिससे कि हमारे शहर को और भी सुंदर बनाया जा सके। आपको बता दें कि इस बार बेतिया ने सभी को पछाड़ते हुए राज्य के अंदर दूसरी रैंक हासिल की है। पिछली बार जहां बेतिया राज्य में टॉप 10 की सूची से बाहर हो गया था, वहीं बेतिया नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 17वां स्थान आया था, इस बार दूसरा स्थान आया है। वहीं इस मौके पर नगर उप आयुक्त लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि बेतिया नगर निगम बनने के बाद पहली स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ तो नगर निगम ने पूरा जोर लगा दिया था। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए नगर के विशेष साफ सफाई भी कराई गई। भितहा नहर के समीप 1,28,000 रुपए की हुई लूट। मामला बैरिया थाना क्षेत्र के भितहा पंचायत बड़ा नहर के पास का है, जहां घात लगाए हुए अपराधियों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वहीं दूसरा जान बचाकर भागा। बताया जाता है कि दोनों भाई बेतिया से मीना बाजार में फल व्यवसाय का काम करते हैं, जो अपने दुकान से मौसी के घर भितहा जा रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर चार अपराधी अचानक से उनके साइकिल के सामने आ गए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें अमरनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं उसका बड़ा भाई शेषनाग जान बचाकर भागा और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। मौके पर अमरनाथ को बेतिया GMCH में भर्ती कराया गया। अमरनाथ के पॉकेट से 86,000 रुपए की लूट कर ली गई। घटनास्थल पर पहुंचे परिजन पर स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर का अफवाह फैलाया और फिर उन पर भी हमला कर दिया। इसी दौरान शेषनाग के पॉकेट से भी करीब 42,000 रुपए की लूट की गई। मौके पर पहुंची बैरिया थाना पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया और जांच में जुटी। घायल अमरनाथ का इलाज बेतिया GMCH में जारी है। घायल की पहचान नगर थाना क्षेत्र के इलाराम चौक मीठा टोली के स्वर्गीय काला चंद्र शाह के पुत्र अमरनाथ के रूप में हुई है। दहेज के लोभी पति और ससुराल वालों ने कर दी विवाहिता की हत्या। हत्या कर ससुराल वाले घर छोड़कर हुए फरार। मामला भंगहा थाना क्षेत्र के सरेवा पचरुखी वार्ड नंबर 10 का है, जहां दो बच्चों की मां की हत्या कर ससुराल वाले फरार हो गए हैं, जो कि 3 माह की गर्भवती भी थी। बताया जाता है कि लड़की के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। लड़की के पिता ने बताया कि 6 वर्ष पहले अपनी बेटी की शादी भरत महतो के पुत्र रामबाबू से की थी, जिसमें यथाशक्ति दान दहेज भी देकर बेटी को विदा किया था, मगर दहेज के लोभी पति और ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल की मांग की थी और मेरी बेटी को मार पीट रहे थे और प्रताड़ित भी कर रहे थे। आज सुबह अचानक से गांव के किसी व्यक्ति ने फ़ोन कर बताया कि आपकी बेटी की हत्या कर ससुराल वाले फरार हो गए हैं। मौके पर जब हम लोग पहुँचे तो मेरी बेटी फंदे से लटकी हुई थी और घर के सब लोग फरार थे। मृतक की बहन ने बताया कि कल दीदी फ़ोन कर बता रही थी कि पति उसको मार पीट रहा है और घर जाने को बोल रहा है, नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था और उसने मेरी बेटी की जान ले ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बेतिया GMCH पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान गौतम देवी पति रामबाबू महतो के रूप में हुई है। कि आइए धान काट के आऊ नू तो चल जाए घर ना तो मुँह आदम तोरा के तो ना गई घर कहते नु कि अइए तो पूछ के जाए बिहान तो कल कि ठीक वो कहती है कि ठीक बता हम कहीं ठीक बिहान नहीं है तो फिर रात के फोन कैलक नू तो वो हम जन कि वह तो भाई फोन कैले रह तो कहता कि बोल नहीं खेक ल तब से फोन ना लगाओ सर लगन सन तो लागे मन नू ना उठाओ सर कट कट जाए तबे मार दल रहा सर। अपने बेटी के शादी कहनी तो 5-6 बरस पहले कहनी ओकरा बाद मोटरसाइकिल ही मांगा चल हाँ दान जो है लेकर पौधा में मोटरसाइकिल मांगा चल ओकरा बाद काल मारपीट कैले वालों ओने मर गल अहनी के देखनी तो 5 बजे अहनी के देखनी जो फांसी पर लटक रहा देह से 2 गो बच्चा बा 3 महीना गर्भवती भी है तो पुलिस के सामने अपने हाथे ऊपर से फोन पर उतरनी है
का लागत है कि उकरा के मारल बा कि मारल बा बहुत कष्ट से मारल बा जला दबावल बा हमें के गिरफ्तारी भइल बा अर्जुन के गिरफ्तारी नहीं थे के गई ऐसी दू के गिरफ्तारी होई मारल लोग की भागल बा लोग सब भाग गइल बा लोग घर से तो आईने तो घर में केहू ना रहल को आदमी केतरे रो जानकारी मिलल गांव में से केहू फोन कइले रहल 3 बजे का नाम पड़ी राहुल गोपाल महतो मृतक का लगे राहुल बेटी कहाँ की घटना है जमीनी विवाद में हुई मारपीट एक ही परिवार के 4 भाई गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महेसड़ा वार्ड नंबर 5 का है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि संदीप शाह, टुनटुन शाह, लड्डू शाह और सुभाष शाह अपने घर पर नवनिर्माण कर रहे थे, तभी पाटीदारों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 4 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय PHC में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर इलाज हेतु बेतिया GMCH में रेफर कर दिया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वो मेरे घर पहले से बना हुआ था, उस पर हम लोग काम उम चला रहे थे, काम चल रहा था हमारा। अब वो क्या है, हम लोग नींव निकाल कर फाइनल कर दिए उसको। अब उस पर हमारा सामान पड़ा हुआ है, हम लोग गए वहाँ पे सामान देखने के लिए, रात बिरात को कोई उठा कर तो नहीं ले जा रहा है। अब वो दालू वालू पी कर बोल रहा था, मेरे घर पे लाइट बार है, लोग यो कर रहे, लोग वो कर रहे लोग। उसके बाद में हम गाली देने लगा वो दारू पी करके। हम लोग पूछ पाछ किए उतने पे, वो पहले से प्लानिंग बना रखे थे। उसके बाद में वो हम लोगों को फाट सा तलवार चला करके हमारे 4 भाई का घायल कर दिया। क्या नाम पड़ेगा? संदीप कुमार। अरे एक का लड्डू सा है, एक का सुभाष सा है, एक का टुनटुन सा है, मेरा संदीप सा है। नगर में पागल कुत्तों का आतंक, 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को काट कर किया जख्मी। आपको बता दें कि नगर के अंदर पागल कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को पागल कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया है। सभी जख्मी लोगों का उपचार बेतिया GMCH में चल रहा है, जहां उपचार के बाद कई लोगों को वापस घर भेज दिया गया, तो वहीं कई लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए अस्पताल में ही भर्ती रखा गया है। बताया जाता है कि बता दें कि नगर में आवारा पागल कुत्तों का आतंक काफ़ी बढ़ गया है। बाजारों में तथा नगर के मुख्य चौक चौराहों पर आवारा पागल कुत्तों का शिकार लोग हो रहे हैं। वहीं मीना बाज़ार में 6 लोगों को, लाल बाज़ार में 3 लोगों को सहित कोतवाली चौक सहित 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में पूर्वी करगैया निवासी सोनू कुमार, खिरियाघाट निवासी देवांती देवी, योगापट्टी निवासी मुन्ना कुमार गुप्ता, मलाही टोला निवासी जानकी देवी, बानुछापर निवासी रवि कुमार, बढ़िया टोला निवासी जुलेखा देवी, बरगछिया निवासी नागेंद्र यादव, लाल बाजार निवासी नीरज कुमार, करगैया निवासी उपेंद्र कुमार, उतरवारी पोखर निवासी रामसेवक प्रसाद, संतसरैया निवासी पानमती देवी, सागर पोखर निवासी BJP के नगर महामंत्री नीरज त्रिपाठी सहित अन्य लोग शामिल हैं। किसको? क्या करने? कहाँ घर पड़ी? आज ने बाजार में सामान किया है, काट लिया। पीला। कहाँ पर? कोतवाली चौक। कोतवाली चौक। कहाँ नाम पड़े? नजिंदर जादू।